हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज 3 हम लोग लगा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है, द मैन इन्वेस्ट रुपीज 11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम, देन इट्स रुपीज 100 शेयर्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 140। फाइन, क्वेश्चन नंबर पार्ट वन इज एनुअल डिविडेंड एंड सेकेंड इज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को? इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 11,200 रुपीज़ का, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 6%, ठीक है? हमें मार्केट वैल्यू पता है रुपीज़ 140। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि एनुअल डिविडेंड कितना है हमको मिल रहा है। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमको मालूम है। आप लोग को आसान होगा, आप मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट किया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रुपीज 12,200 रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दिया है 6%। तो मार्केट वैल्यू भी हमको पता है, मार्केट वैल्यू 1 share 140 rupees। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि कितने हैं हमारे पास। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन रेट ऑफ 1 share, ठीक है? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 share कितना है? 11,200 अपॉन 140। तो आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1120 को 40 से, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 80। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 80, ठीक है? अब हम इनकी फेस वैल्यू से वैल्यू निकालेंगे कितनी है। फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स इज इक्वल टू 80 into 100, क्योंकि ये 100 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, रुपीज 100। यहाँ पे आ गया आपका 8,000 रुपीज, इतने का हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तब इसमें क्वेश्चन पार्ट वन पूछ रहा है इस एनुअल डिविडेंड, तो एनुअल डिविडेंड कितना होगा? क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, तो कितना होगा? रुपीज 8,000 इंटू 6/100, 6% का। तो कितना कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 6 × 48 = 0। तो टोटल डिविडेंड हमें मिल रहा है यहाँ पे 480 रुपये। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिविडेंड by total investment to 100, ठीक है? क्या होगा टोटल डिविडेंड कितना है? 480 into 100 divided by टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है?
7200, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 480 डिवाइड बाय 112, इसको आप सॉल्व करेंगे, रफ में सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 × 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 10 × 8 = 3, 1 लगाया कितना आएगा, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, माइनस करेंगे 6, तो आएगा 9, ठीक है, कितना आया, फिर इतना आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कितना आया, 4.2%, तो हमें अप्रॉक्सीमेट मान लिया है, तो आपका ये हो गया आपका परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा, तो हमें जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट द प्रीमियम ऑफ 60%, ठीक है, समझ में आया, उसमें 60 शेयर्स हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, उनको तब वो सेल करता है जब उनको प्रॉफिट होता है उससे 60%, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50 एंड कोटेड एट 4% डिस्काउंट एंड पेइंग 18% डिविडेंड एनुअली, फिर उनको वो वापस परचेज करता है और फिर सेल करता है 4% डिस्काउंट पे और उससे उनको 18% डिविडेंड को मिलता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पार्ट वन है सेल प्रोसीड, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय एंड हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर। तो चलिए पहले नोट डाउन करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 60, उनकी हमें नॉमिनल वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ वन शेयर रुपीस कितनी है, 100, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका, 60 × 100 हुआ 6000 रुपीस का टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आएगी बताइए, 160, कैसे आएगी, 100 + 60, क्योंकि यहाँ पे 60% का एट प्रीमियम ऑफ 60%, मतलब 60% का उसको प्रॉफिट हुआ है नॉमिनल शेयर में, तो इससे यहाँ पे 160 रुपीज़। तो यहाँ क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में सेल प्रोसीड, सेल उसकी कितनी हुई है, फर्स्ट पार्ट है सेल प्रोसीड, कैसे निकालेंगे, सीधे निकाल लेंगे, रुपीस 160 इंटू नंबर ऑफ शेयर 60 इतने हैं, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 16 6 96, तो सेल उसकी प्रोसीड हुई है रुपीस 9600, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, सीधे फॉर्मूले में था, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, सेकंड जब उसने पहले शेयर खरीदा बेचा फिर दोबारा जब उसने किया तो नंबर ऑफ शेयर्स ने कितने लिए, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, ये हम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी हुई है, रुपीस 50 दी हुई है, तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू लिखिए कोटेड एट 4% डिस्काउंट, मतलब कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है आप बताइए, मैं तो सीधे कैलकुलेट करके लिख रही हूँ, 4% डिस्काउंट
8 रुपीज मार्केट वैल्यू है उसकी, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड ही गेट्स 18% है यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेस्ड इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए पहले हमने निकाला ना सेल प्रोसीड 9600 की सेल प्रोसीड हुई थी, तो उसके पास इस समय कितना है 9600 रुपीस है। और हमें मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर पता है, वो हमें ये है 48 रुपीस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 200। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कि उसने 200 शेयर खरीदे। ये आपके सेकंड पार्ट का है। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर, एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है कि कितना उसको एनुअली मिला। ये भी कुछ नहीं है, सीधे उसको फॉर्मूले में रख देंगे तो टोटल यहाँ पे टोटल पे मार्केट सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स निकाल लेंगे। शेयर्स इक्वल टू 200 × 50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 10,000 रुपीज़ का है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो डिविडेंड इक्वल टू रुपीज 10,000 इंटू 18% का रेट ऑफ डिविडेंड है, तो कितना आया रुपीज 18 × 100 1800। यहाँ पे उसको 1800 का एनुअल डिविडेंड मिल रहा है। इससे इजिली कितना इजिली इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। हमें सब कुछ बस हमें याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला निकाल, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नॉमिनल वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू आप निकाल लेंगे, सेल प्रोसीड निकाल लिया, फिर सेल प्रोसीड का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में यूज़ कर लिया नंबर ऑफ शेयर्स जानने के लिए कि कितने उसने शेयर्स दिए थे। जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए तो आप उनसे नॉमिनल वैल्यू आप शेयर्स की निकाल लेंगे और उससे डिविडेंड निकाल लेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, इससे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उस नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 दिए हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू बताई हुई है 100, डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 8%। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कितना उसको कंपनी पेड कर रही है टोटल डिविडेंड। सेकंड पार्ट है, रमेश हैज बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव एंड द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड देखना है कितना उसको मिल रहा है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, बहुत ईजी है, सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि क्या क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 10,000, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू 100, डिविडेंड क्या निकालेंगे, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर इक्वल टू रुपीज 100, एक ही वैल्यू है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 लाख, टोटल नॉमिनल वैल्यू आपकी इतनी हो गई 30 रुपीस। अमाउंट फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अब फर्स्ट पार्ट निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ
डिविडेंड इक्वल टू कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे याद है, टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 10 लाख. कैलकुलेट करने पे आ रहा है 80,000. ठीक है, ये टोटल का आपको टोटल डिविडेंड मिल रहा है. ये सिंपल कुछ भी नहीं था, नॉमिनल वैल्यू निकाल ली और उसको सिंपल फॉर्मूले में रख दिया तो उससे हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, रमेश है जिन्होंने 90 शेयर खरीदे हैं 150 पर शेयर. अब उनका कैलकुलेट करना है डिविडेंड और उनका परसेंटेज ऑफ रिटर्न. तो ये हमारा सेकंड केस जो बन रहा है, सेकंड केस जो है उसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 90 हैं. मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 150. इसलिए इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रुपीज 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 90. कितना 59,135. टोटल इन्वेस्टमेंट इनका हो गया 13,500 का. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स कितनी हो जाएगी, इक्वल टू रुपीज 100 इंटू 90. नॉमिनल वैल्यू देखिए यहाँ ऊपर दी हुई है ना, यहीं से लिया है तो 9,000 हो गई नॉमिनल वैल्यू 90 शेयर्स की. ठीक है, अब यहाँ पे डिविडेंड निकाल लेंगे हम लोग. डिविडेंड इक्वल टू कितना होगा, ये जो आपने निकाला है नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स 9,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 8% का, तो 8/100 9 8 72 0. तो इतना उनको 720 का डिविडेंड मिल रहा है जो कंपनी दे रही है रमेश को. अब दूसरा क्या पूछ रहा है, परसेंटेज. इसमें सेकंड पार्ट क्या है, परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. तो उसका क्या, कैसे निकालते हैं, डिविडेंड अपॉन डिविडेंड कितना है 720 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने निकाला है यहाँ पे ये 13,500 इंटू 100%. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 5 times करते हैं, 5 5 20 5, 2 5 15 16 17 1 5 5 कैरी 6, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 45 आया. ठीक है, तो पॉइंट लगाया 0, फिर आया 3 times करते हैं, 5 3 15, 1 कैरी गया 9 1 10, 0 3 3 4, 45. फिर यही आया है तो फिर ये 5.33% का रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया.